ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी बिना जोखिम के। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो है ना, वो अपना पैसा बैंकों में ना जमा करवा के म्यूचुअल फंड या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर डालना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बैंक के बारे में बता रहे हैं जो कि आपको टर्म डिपॉजिट के ऊपर ही एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, वो भी बिना किसी जोखिम के। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं RBL बैंक। आप देख सकते हैं, हमने जो है RBL बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पाना चाहते हैं, तो क्या RBL बैंक आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? तो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो और जानते हैं कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो हमें मिल रहे हैं RBL बैंक में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल JD टेकी से। सो दोस्तों, जैसे कि आपको टॉपिक पता ही चल चुका है कि आज की हमारी वीडियो जो होने वाली है वो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है, तो चलिए अब क्या करते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो और जानते हैं क्या है वो सारा स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको पता ही है कि आपको क्या करना है कि गूगल में सर्च करना है RBL बैंक। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने सर्च किया तो क्या हुआ, RBL बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.rblbank.com जो है वो दिखाई देने लग चुकी है। आपको जस्ट केवल इसे ओपन करना है। तो देखिए दोस्तों, वेबसाइट जो है वो ओपन हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, एक ना मैसेज हाईलाइट हो रहा है 7.25% पर एनम फॉर सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट। जी हां दोस्तों, लिखा तो आ रहा है कि 7.25% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा, तो काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम इस वीडियो में आगे यही जानेंगे कि क्या हमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाएगा। तो मैं इस मैसेज को सबसे पहले क्लोज करता हूं। क्लोज करने के बाद ना कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपको वेबसाइट का दिखाई देने लग जाएगा। देखिए, ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको ना वेबसाइट को ध्यान से देखना है। नीचे आने के बाद ना एक मेन्यू दिखाई देगा। देखिए, चूज व्हाट्स राइट फॉर यू, क्रेडिट कार्ड, NRI डिपॉजिट, डिजिटल सेविंग अकाउंट, पर्सनल लोन्स और फिक्स डिपॉजिट। तो जैसे मैंने फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक किया तो ऑप्शंस क्या आई, कैलकुलेटर, नो मोर और अप्लाई। तो सबसे पहले हम नो मोर पे क्लिक करेंगे ताकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता चल सके। तो मैं नो मोर पे क्लिक करता हूं। देखिए दोस्तों, लोडिंग शुरू हो चुकी है और हमारे सामने क्या है, फिक्स डिपॉजिट नो मोर का जो वेब पेज है वो खुल के आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट का जो वेब पेज है ना, उसमें नीचे एक लाइन लिखी है, यू कैन आल्सो व्यू द इंटरेस्ट रेट ऑन योर फिक्स डिपॉजिट। देखिए, इंटरेस्ट रेट लिखा आ रहा है ना, तो आपको इस लिंक पे सबसे पहले क्लिक करना है ताकि आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जान सके। तो मैं इस लिंक पे सबसे पहले क्लिक करता हूं। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ, PDF जो है वो हमारे सामने खुल के आ गया। मैंने सबसे पहले साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ऊपर ध्यान से देखिए कि फिक्स डिपॉजिट विद इफेक्ट फ्रॉम फरवरी 1, 2020। देखिए,
के मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं आरबीएल बैंक की तरफ से वो 1 फरवरी 2021 से किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। टेबल आपके सामने है। अगर आप 7 से 14 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3.25। उसी तरह से 15 से 45 दिन के लिए 4.0, 46 से 90 दिन के लिए 4.75, 91 से 180 दिन मतलब कि 6 महीने के लिए आपको मिलेगा 5.25। अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलर एफडी जो कि होती है 1 साल की, तो देखिए दोस्तों 12 मंथ टू लेस देन 24 मंथ मतलब कि 1 साल या फिर 2 साल से कम के लिए, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो कितना है, 6.50। और साथ में देखिए सीनियर सिटीजन्स पे 7.00%। और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.25। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपको जे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आरबीएल बैंक की तरफ से मिल रहा है, लेकिन वो मिलेगा 36 मंथ 1 डेज के लिए, मतलब के कम से कम आपको 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवानी होगी सीनियर सिटीजन्स के नाम पे, तो आपको 7.25% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से कैलकुलेट भी करके देखते हैं कि मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं आरबीएल बैंक में, तो जनरल कैटेगरी में आपको 1 साल के बाद कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी और सीनियर सिटीजन्स पे कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। तो जल्दी से क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आरपीएल बैंक का ही फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर जो है वो ओपन किया हुआ है। तो जैसे मैं नीचे आता हूं ना, नीचे आपको एक कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको सेगमेंट जो है सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करता हूं, जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूं। टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट, तो मैं चाहता हूं जी क्वार्टरली पे आउट मुझे मिल जाए। डेट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, मान लीजिए आज की तारीख की कि 13 फरवरी 2021 को ही आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डिपॉजिट टर्म, ठीक है, मान लीजिए 12 मंथ के 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो अमाउंट है वो कितनी है, 5 लाख रुपए। तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर लिया है, अब मैं कैलकुलेट करता हूं। देखिए जैसे मैंने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेशन होने के बाद ना, देखिए दोस्तों हमारी जो डिपॉजिट अमाउंट है वो है 5 लाख रुपए, ऊपर दिखाई दे रही है, और जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा हमें, 32,500 रुपीज। और जो मैच्योरिटी वैल्यू है दोस्तों वो कितनी मिलेगी, 5,32,500 रुपीज। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, सीनियर सिटीजन्स के बारे में भी जान लेते हैं कि 5 लाख के ऊपर कितनी जो मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगी। तो मैं सीनियर सिटीजन्स पे सिलेक्ट करता हूं और कैलकुलेट करता हूं। तो देखिए दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.0%, और जो हमारी अमाउंट है वो 5 लाख, टोटल इंटरेस्ट जो अर्न किया है वो है 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज। और जो टोटल बैलेंस बनेगा मतलब मैच्योरिटी के बाद वो कितना बनेगा, 5,35,000 रुपीज। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने एक और बैंक आरबीएल बैंक के बारे में जान लिया कि अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट की गेम खेलना चाहते हैं तो आप आरबीएल बैंक की तरफ से इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में हमने जो भी आपको स्टेप बताए हैं वो आपको अच्छी तरह से पता चल चुके होंगे। अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई टॉपिक ना पता चला हो या कोई स्टेप आपसे मिस हो गया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश भी जरूर करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा
अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो विदा लेते हैं आपसे इसी वादे के साथ कि जल्द हाजिर होंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।